हेलो गाइस, माय नेम इज़ ओम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ इसको। क्या आपको पता है इसके अंदर क्या है? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसके अंदर है इंडियाज मोस्ट बायड कार, आरसी कार बोल सकते हो, मोस्टर ट्रक भी बोल सकते हो, रॉक क्रावलर भी बोल सकते हो, बट ये इंडियाज मोस्ट पॉपुलर आरसी कार है। मैं इसको अभी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो फॉर द वीडियो। अभी मैं बॉक्स को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। और गाइस, मैं इसको अभी तक खोला भी नहीं हूँ, आपके सामने पहली बार खोल रहा हूँ। सो लेट्स सी, आपको तो मेरे हिंट से भी पता चल चुका होगा ये कौन सा आरसी कार है। तो मैं अभी ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये ओपन हो चुका है और आप देख सकते हैं। सो गाइस, इसका जो ऊपर वाला बॉक्स था, मैं उसको हटा चुका हूँ। तो आप ये वाला बॉक्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है रॉक लीडर, और यहाँ पे लिखा है इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस, यहाँ पे लिखा है क्लाइंबिंग फोर व्हील ड्राइव रिमोट कंट्रोल, और यहाँ पे लिखा है रॉक क्लाइंबर बैटल ऑफ, और उसके नीचे लिखा है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फुल फंक्शनल। आप ये कार्स भी देख सकते हैं, और साइड में भी सेम टू सेम लिखा गया है। तो ये वाले भी देख सकते हैं इस तरफ से, और मैं आपको बैक से भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो अभी इसको ओपन कर देते हैं। सो यहाँ से ये ओपन हो चुका है। सो यहाँ से भी ओपन हो चुका है, और यस गाइस, ये फुली ओपन हो चुका है। अब कार को निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं निकल चुका है हमारा कार। आप सभी लोग देख सकते हैं इसका कितना टाइट पैकिंग किया गया है, काफ़ी सेफ्टी के साथ इसको पैक किया गया है। देखते हैं, ये तो साइड से खोले नहीं, नो, यहाँ पर सेलो टेप दिया गया है, खोल देते हैं। पहले इसको निकाल देते हैं। इस साइड से बैटरी और चार्जर है, बैटरी भी निकल चुका है, इसको साइड में रखते हैं। पहले कार को खोलते हैं, ये और किसी तरफ से भी ऐसे सेलो टेप से है, तो यहाँ पे और इस तरफ से भी होगा, या इस तरफ से दिया गया है। फाइनली हमारा कार खुल चुका है, आप देख सकते हैं। इसको निकाल देते हैं, पहले इसको रखते हैं साइड पे, और इसका रिमोट भी निकाल देते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा कार, ये रहा रिमोट, और इसके अंदर है कार का बैटरी और चार्जर। ये रहा चार्जर, और अभी निकाल देते हैं बैटरी। ये रहा कार का बैटरी, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं दिया है रिमोट के लिए, आपको सेपरेट बैटरी खरीद के रिमोट में डालना होगा। तो आप देख सकते हैं, ये आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ। ये है 700 mAh एंड 4.8 W का बैटरी, आप देख सकते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ इस कार के चार्जिंग के बारे में। तो ये रहा कार का चार्जर, और यह है बैटरी, और मैं ये बैटरी को फुल चार्ज कर चुका हूँ। ये लगभग 2 आवर में फुल चार्ज हो चुका है। ये बैटरी काफ़ी टाइम लेता है चार्ज होने में, और मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा ये कार फुल चार्ज होने के बाद कितने देर तक चलता है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एज ऑल ऑफ यू कैन सी, मैं ये मोस्टर ट्रक ऑर्डर किया हूँ रेड कलर में, और इसका 2 कलर अवेलेबल है, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप ये मोस्टर ट्रक को परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक करके कोई सा भी तीनों में से एक कलर परचेस कर सकते हैं। अगर मैं इस कार के लुक के बारे में बात करूं, इसका लुक काफ़ी हंटिंग लुक है, और काफ़ी ख़तरनाक भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और आपको मैं पीछे से भी दिखा देता हूं, और ऊपर के तरफ जो टायर दिया गया है वो सिर्फ स्टाइल के लिए, और वो कुछ भी नहीं है। और यहां पे लिखा है क्राउलर्ड क्रॉस कंट्री, और यहाँ पर लिखा है रॉक क्राउलर्ड, और साइड में भी लिखा है क्राउलर्ड क्रॉस कंट्री। अगर मैं इस कार का क्वालिटी के बारे में बात करूँ, इस कार का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ऊपर में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, साइड में भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और फ्रंट में भी हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। अगर मैं बात करूं टायर की, टायर फ्लॉपी दिया गया है, और रिम है रेड कलर में, आप देख सकते हैं। और अगर मैं ये कार का फ्रंट में आ जाऊं, तो फ्रंट में स्टेयरिंग के साइड में एक लाइट दिया गया है, और ये कार का सस्पेंसन भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं। देखते हैं कैसा ऑफ रोडिंग कर पाता है। अगर इस कार का बैक में आ जाएं, तो बैक में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, और फ्रंट में यहाँ पे लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए दिया है व्हील को, और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है कार का,
और यहाँ पे एक मोटर दिया गया है और फ्रंट में एक मोटर दिया गया है, मीन्स ये फोर व्हील ड्राइव है। अगर मैं बात करूँ रॉक क्रॉलर की साइज़ के बारे में, आप देख सकते हैं ये वाला कार से जो मैं पिछली वीडियो में अनबॉक्सिंग किया था वो उससे रॉक क्रॉलर कितना बड़ा दिख रहा है। और अगर आप ये वाला कार का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक करके ये वाला कार का अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रॉक क्रॉलर का टायर फ्लॉपी है, बट ये वाला कार का फ्लॉपी टायर नहीं है। और सस्पेंशन भी आप देख सकते हैं रॉक क्रॉलर का बड़ा है और काफ़ी अच्छा है ये वाला कार से। अगर मैं बात करूँ रिमोट के क्वालिटी के बारे में, रिमोट का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये साइज़ में भी बड़ा है और यह लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए दिया गया है, और यह है फॉरवर्ड और यह रिवर्स, और यह है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का, और यह है रिमोट का ऑन ऑफ स्विच। और मैं इसके अंदर अभी बैटरी डाल के और कार को ऑन करके भी दिखा दूंगा। मैं रिमोट में भी 3AA बैटरी डाल चुका हूँ, अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर शो रहा है। मैं अभी कार में भी बैटरी डाल देता हूँ, कंपार्टमेंट भी आपको खोल के दिखा देता हूँ और इसमें बैटरी भी डाल दूंगा। अब देख सकते हैं ये खुल चुका है, आप देख सकते हैं इसका बैटरी कंपार्टमेंट, इसमें बैटरी भी मैं जॉइन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसे प्लग करना होता है, यहाँ पे इसे दो थ्रेड दिया गया है और इसमें भी दो थ्रेड दिया गया है, इसको इसे प्लग करने का होता है और इसको इसे जॉइंट करने है। इसका बैटरी कवर भी फिक्स कर चुका हूँ, मैं अभी कार को ऑन कर दूंगा। मैं कार को ऑन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड ब्लू का लाइट्स जल रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं आप कार को भी चला के दिखा देता हूँ यहाँ पे, और मैं ये किया फॉरवर्ड, ये है फॉरवर्ड और ये रिवर्स। मैं अभी व्हील को लेफ्ट राइट टर्न करके आपको दिखा देता हूँ, ये राइट और ये लेफ्ट, और इसका व्हील काफ़ी अच्छे से फंक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी मैं ये मोस्टर ट्रक को ऑफ रोडिंग में चलाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं इसका सस्पेंशन कितना अच्छा है और काफ़ी बड़ा दिया गया है। तो मैं पहले आपको प्लेन सरफेस में चला के दिखाऊंगा, उसके बाद ऑफ रोडिंग में चला के दिखाऊंगा। सो लेट्स गो। एक जंप ट्राई करते हैं हमारे रॉक व्हीलर से। तो यो गाइस, ये एकदम स्टंट हो गया। आप सभी लोग इस मोस्टर ट्रक का ऑफरोडिंग देख चुके होंगे और इसका प्लेन सरफेस में भी काफी अच्छा स्पीड था और ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी अच्छा स्पीड था और इसका रेंज भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी बात कर लेते हैं इसके कॉन के बारे में। ये मॉन्स्टर ट्रक में मुझे सिर्फ एक ही कॉन लगा, जो है इसका बैटरी बैकअप। इसका बैटरी फुल चार्ज होने के बाद सिर्फ 15 से 25 मिनट तक ही चल पाता है, उसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा 700 mAh का बैटरी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्स्ट्रा 700 mAh का बैटरी है, ये मेरा एक दूसरे कार का बैटरी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है तो
आपको ये मॉन्स्टर ट्रक टाइम टू टाइम चार्ज करके चलाना पड़ेगा। और एक बात गाइज, आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे, ये वाले कार का एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग या फिर ये दोनों कार के बीच में BS या फिर ये वाले कार का एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वो मैं आपके लिए एक वीडियो में लेके आऊँगा, ये नेक्स्ट वीडियो में भी ला सकता हूँ या फिर एक वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। गाइज मैं वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते हो तो मुझे आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो करने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो गाइज प्लीज़ डू इट। एंड इतना ही है इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.